तो आज हम अलग अलग प्रकार के व्यंजन खाने आए हैं, वो भी एकदम प्यार से आंटी खिलाती है और कस्टमाइज चटनी के साथ। रायपुर की सबसे फेमस जगह पे देव नाश्ता सेंटर, ये आंटी बहुत ही पहले से लगाती है। पहले आलू बड़े और साबूदाने के बड़े बेचती थी, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते थे। अभी इन्होंने बहुत सारी नई वेराइटीज चालू की, चलिए देखते हैं और क्या क्या मिलता है यहाँ पर। आंटी जी, मैगी के पकौड़े डाल रहे हैं इसमें। हाँ, ये मैगी के हैं, सिर्फ मैगी है। अच्छा, आप वो करते हो क्या? बहुत पसंद आ रहे हैं मैगी के पकौड़े लोगों को, तो ये नई वेराइटी लाए हैं आप मैगी के पकौड़े। मैंने कहीं पर नहीं सुना मैगी के पकौड़े मिलते हैं, कहीं नहीं मिलता रायपुर में मैगी के पकौड़े। आंटी, आपको कितना टाइम हो गया यहाँ पर? मैं तो बचपन से खाते आया हूँ यहाँ पर, आलू के बड़े और साबूदाना के बड़े। 15 साल हो गए काम। 15 साल हो गए काम करते। और क्या क्या मिल जाता है आपके यहाँ आंटी? यहाँ पे हरे भरे कबाब। अच्छा, ये हरे भरे कबाब मिल जाते हैं। वो डेस है। अच्छा, डेस के वो है, मिर्ची के, मिर्ची भजिया है, स्प्रिंग रोल है, वो आलू बड़ा है, मूंग बड़ा है। छह प्रकार की चटनी है यहाँ पर, आपको जो भी चाहिए आप ले सकते हैं यहाँ पर, अपने हिसाब से कस्टमाइज भी करा सकते हैं सारी चटनी। ये इसमें देखो, एक के बाद एक सारी चीज़ें को तला जाता है, फ्राई किया जाता है एकदम गरम गरम। ये मूंग बड़ा डल रहा है ना आंटी? अगली चीज डल रही है यहाँ की सबसे फेमस चीज, साबूदाना वड़ा। लाइन लगी रहती है साबूदाने वड़े के लिए यहाँ पर। तो ये साबूदाना वड़ा बहुत ही ज्यादा अच्छा दिखता हुआ है वड़ा। तो अब इसमें डल गए मिर्ची भजी, मतलब रुकता नहीं है यहाँ पर कोई भी काम, चलता रहता है यहाँ पर सारा काम। स्वादिष्ट व्यंजन आप बना रहे हैं यहाँ पर, इन लोगों को बता दीजिए ये खाने के लिए उनको कहाँ आना पड़ेगा? ये कटरा तालाब शिव मंदिर गली नंबर 3। अच्छा, नाश्ता सेंटर पे आना पड़ेगा। थैंक यू आंटी, थैंक यू आंटी। नाश्ता सेंटर के नाश्ता और शाम के नाश्ते के लिए आपको आना पड़ेगा कटोरा तालाब में। ये शिव मंदिर है, शिव मंदिर और ये पोपट नमकीन के जस्ट बाजू में है यहाँ पर देव नाश्ता सेंटर लगता है। सिटिंग भी दी गई है, बहुत ही प्यार से आंटी खिलाती है, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यंजन टाइप के आइटम खिलाती है आंटी यहाँ पर।